दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अपने जैगुआर फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए नया प्लान सामने लाया है, जिसके तहत जैगुआर फ्लीट को अपग्रेड करके और ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाया जाएगा, जो ज्यादा वेपन लेके दुश्मनों के ऊपर धावा बोल सके। पर दोस्तों इसके बीच में भी कुछ रुकावटें दिखाई दे रहा है, और अगर ये रुकावटें दूर ना किया जा पाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुनने को आ रहा है कि जैगुआर फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए ज्यादा सुखोई 30 MKI भी खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नया क्या प्लान बनाया जा रहा है, जिसके तहत जैगुआर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा या फिर नया सुखोई 30 MKI खरीदा जाएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अपने फ्लीट में इस्तेमाल होने वाला जैगुआर डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट का इंजन अपग्रेडेशन प्लान को बदलने के लिए सोच विचार कर रहा है, जहां पे ये सोचा गया था कि इन एयरक्राफ्टों का इंजनों को बदल के नया इंजन लगा के एयरक्राफ्टों को और मजबूत और शक्तिशाली बनाया जाएगा। पर फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये सोचा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को रद्द करके इस प्रोजेक्ट के जगह में नया सुखोई 30 MKI खरीद के जैगुआर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाए। दोस्तों मीडिया सोर्सेज से हमें पता लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स में जो जैगुआर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो रहा है उसमें रॉयल्स एडोर 811 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक 1980s का इंजन है और करीबन 40 साल पुराना होने के वजह से इन इंजनों का क्षमता करीबन 10-15% कम हो गया है, जिससे ये इंजन 10-15% कम थ्रस्ट पैदा कर रहा है और जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स का जैगुआर एयरक्राफ्ट द्वारा जरूरत मुताबिक पेलोड लेके उड़ान भरना मुश्किल हो गया है। एक जैगुआर एयरक्राफ्ट में जितना पेलोड होता है, अभी इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला जैगुआर एयरक्राफ्ट में उतना पेलोड डाला नहीं जा पा रहा है और एयरक्राफ्टों को कम पेलोड के साथ ही उड़ाना पड़ रहा है। और दोस्तों इसी वजह से ही ये पुराना इंजनों को अपग्रेड करके अमेरिकन कंपनी हॉर्नवेल का बनाया हुआ F-125IN इंजनों का इस्तेमाल किए जाने का बात सोचा जा रहा था, पर ये प्रोजेक्ट अभी कुछ क्रिटिकल कारणों से भी रद्द कर दिया गया है। सोर्सेज के मुताबिक हॉर्नवेल और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा इन एयरक्राफ्टों को री इंजीनियर्ड करने के लिए जो प्रस्तावित कीमत बताया गया है वो काफी ज्यादा है, और ऐसा दो प्लेन अपग्रेड करने के पैसे में इंडियन एयरफोर्स एक रफेल खरीद पाएगा। इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 6 स्क्वाड्रन जैगुआर एयरक्राफ्ट है, पर इन 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को भी 5.5 या 5 स्क्वाड्रन कहना सही होगा, क्योंकि 6 नंबर स्क्वाड्रन में फुल स्ट्रेंथ जैगुआर एयरक्राफ्ट नहीं है। दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का जैगुआर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करके डैरन 1 से लेकर डैरन 3 कैटेगरी तक तब्दील किया गया है, जिसमें इन एयरक्राफ्टों का एवियोनिक्स कॉकपिट सिस्टम और फ्लाइंग टेक्निक को अपग्रेड किया गया है। पर इन एयरक्राफ्टों का बेसिक प्रॉब्लम है इसका इंजन, जिस वजह से डैरन 3 कैटेगरी एयरक्राफ्ट भी अपने जरूरत का पेलोड लेके उड़ान नहीं भर पा रहा है। दोस्तों ये अपग्रेडेशन भी शेड्यूल से करीबन 7 साल पीछे चला। दोस्तों सोर्सेज की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर अगर इन एयरक्राफ्टों का इंजनों को तब्दील ना किया जाए तो ये थ्रस्ट का लिमिट सेफ्टी सीमा से अगर नीचे आ जाए तो एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड करना पड़ेगा, और अगर ऐसे सिचुएशन में एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड ना किया जाए तो इन एयरक्राफ्टों को उड़ाने वाले पायलटों का जीवन को भी खतरा हो सकता है। अभी के सिचुएशन में अगर इंडियन एयरफोर्स का जो जैगुआर है उसका एक एयरक्राफ्ट इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन के द्वारा पायलट सेफली अपने आप को बचा पाएगा, पर अगर सेफ्टी सीमा से नीचे चला गया तो इंजन फेल होने के सिचुएशन में पायलट के लाइफ को लेकर बहुत रिस्क रहेगा। और दोस्तों ये सिचुएशन में अगर इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये 6 स्क्वाड्रन जैगुआर को ग्राउंडेड कर दिया जाएगा तो ये भारतीय वायुसेना के लिए भी काफी खतरनाक होगा। भारतीय वायुसेना के पास अभी 31 से 32 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट है, जबकि ये संख्या 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए, और इन 32 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों में से भी अगर 6 स्क्वाड्रन को ग्राउंडेड कर दिया जाएगा तो एयरफोर्स का स्ट्रेंथ 25-26 के आसपास ही रह जाएगा, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट का स्ट्रेंथ के बराबर है, और ऐसे सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और दोस्तों ऐसे सिचुएशन से इंडियन एयरफोर्स निपटने के लिए कुछ नया प्लान बना रहा है। सोर्सेज के थ्रू हमें पता चल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इन ग्राउंडेड एयरक्राफ्टों के जगह लेने के लिए नया सुखोई 30 MKI खरीद सकता है, जो जैगुआर एयरक्राफ्ट के जैसे हर एक रोल को निभा सकता है, साथ ही साथ एयर सुपीरियरिटी या फिर एयर टू एयर रोल के लिए भी एक अच्छा एयरक्राफ्ट है। जहां पे इंडिया में ये सुखोई 30 MKI हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का नासिक प्लांट में बनाया जा रहा था, उस प्लांट का काम भी मार्च 2020 तक खत्म हो जाएगा, जबकि नासिक प्लांट द्वारा ये भी प्रस्तावित किया गया है कि प्लांट के पास अभी भी 72 एयरक्राफ्ट बनाने का क्षमता है, और माना जा रहा है कि इन क्षमता
को काम में लगाते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट का जगह लेने के लिए सुखोई 30 MKI को और ज्यादा संख्या में खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों देखना ही है कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है और जैगुआर को कोई दूसरा इंजन से अपग्रेड करने का कोशिश किया जाएगा या फिर नया सुखोई 30 MKI खरीदने का एक बेहतरीन डिसीजन लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।